आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यवसाय के अर्थ की, व्यवसाय क्या है, व्यवसाय की परिभाषाओं की और व्यवसाय की विशेषताओं की। सबसे पहले हम जानते हैं व्यवसाय है क्या। अंग्रेजी शब्द बिजनेस का शब्दकोश के अनुसार अर्थ है द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, अर्थात व्यस्तता। प्रत्येक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में निम्न दो प्रकार की क्रियाओं में व्यस्त रहता है। नंबर वन आर्थिक क्रियाएं, नंबर टू अनार्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब हम बात करेंगे व्यवसाय के अर्थ की। व्यवसाय के अंतर्गत वे संपूर्ण मानवीय आर्थिक क्रियाएं आती हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण के लिए की जाती हैं। जो व्यवसाय है एक, उसके अंतर्गत मानवीय क्रियाएं तो शामिल है, लेकिन कौन सी मानवीय क्रियाएं शामिल है? आर्थिक मानवीय क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वो होती है जिनका संबंध धन से होता है, जो एक मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए की जाती हैं। वे क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, जिनका उद्देश्य अपनी सेवाओं द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करके लाभ कमाना होता है, तथा जो निजी अथवा सार्वजनिक संस्थाओं में स्वतंत्रता पूर्वक एवं नियमित रूप से की जाती है। जो व्यवसाय है वो एक नियमित रूप से किया जाने वाला है और वो निजी अथवा सार्वजनिक संस्थाओं में स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अब व्यवसाय की परिभाषा एलएच हैने के अनुसार, व्यवसाय शब्द से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पादन अथवा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। एलएच हैले के अनुसार जो व्यवसाय की परिभाषा दी गई है उसमें ये कहा गया है कि वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा जो धन का उत्पादन होता है, धन की प्राप्ति होती है, वही व्यवसाय है। जेम्स स्टीफेंसन के अनुसार, लाभोपार्जन की दृष्टि से किए जाने वाली मानवीय कार्य को ही व्यवसाय कहते हैं। जो लाभ का उपार्जन करने के लिए, लाभ को अर्जित करने के लिए क्रियाएं की जाती हैं, वो मानवीय क्रियाएं व्यवसाय कहलाती हैं। अब आगे हम बात करेंगे व्यवसाय की विशेषताओं की। तो नंबर वन, मानवीय आर्थिक क्रियाएं, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो व्यवसाय है वो एक मानवीय आर्थिक क्रिया है। देखते हैं कैसे। व्यवसाय का सबसे प्रमुख लक्षण इसमें मानवीय आर्थिक क्रियाओं के तत्व का निहित होना है। व्यवसाय केवल मानव द्वारा ही किया जाता है, ना कि पशु पक्षियों या जानवर द्वारा। अब जो मानवीय क्रियाएं हैं, मानवीय क्रियाएं कौन करेगा? मनुष्य करेगा, ना कि पशु पक्षी और जानवर। तो इसमें यही कहा गया है कि जो व्यवसाय है, व्यवसाय मनुष्य द्वारा होगा, ना कि पशु पक्षी द्वारा। इसीलिए व्यवसाय को मानवीय आर्थिक क्रिया कहा गया है। नंबर टू, जोखिम एवं भावी सफलता, रिस्क एंड फ्यूचर सक्सेस। एक कहावत है कि व्यवसाय जोखिम का खेल है। इतना तो आवश्यक है कि कुछ व्यवसायों में जोखिम अधिक होता है और कुछ में कम होता है, किंतु व्यवसायों में कुछ न कुछ जोखिम अवश्य ही होता है, क्योंकि लाभ जोखिम का प्रतिफल है। अब कहावत के अनुसार देखी जाए तो व्यवसाय जोखिम का खेल है। व्यवसाय में जोखिम है, नहीं भी है, कम है, ज़्यादा भी है, तो ये एक खेल है। व्यवसाय में इतना तो आवश्यक हो जाता है कि जोखिम किसी चीज़ में कम होता है, किसी व्यवसाय में कम और किसी व्यवसाय में ज़्यादा। इसीलिए जो लाभ है वो जोखिम का प्रतिफल है। नंबर थ्री, समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड्स। व्यवसाय केवल किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं की ही संतुष्टि नहीं करता है, अपितु इसके द्वारा पूरे समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। व्यवसाय एकांत जंगल में नहीं किया जा सकता है, अपितु समाज में रहकर समाज के लोगों के साथ किया जाता है। अब जो व्यवसाय है वो किसी एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए नहीं होगा। कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय खोल के बैठा है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं खोल के बैठा होगा कि हाँ भाई, सामने वाले घर का आदमी आएगा, मेरे से सामान लेगा और वो चला जाएगा, मुझे सिर्फ उसी के लिए अपना व्यवसाय आगे बढ़ाना है। ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो व्यवसाय है वो किसी एक व्यक्ति की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए नहीं है, अपितु पूरे समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए है। अब जो व्यवसाय है, एकांत जंगल में तो नहीं करेंगे ना, जंगल में पशु पक्षियों को तो अपना सामान नहीं बेचेंगे। तो ये समाज के लोगों के लिए है, ये जंगल में रहकर नहीं होगा, बल्कि समाज में रहकर समाज के लोगों के साथ होगा। नंबर फोर, व्यवसाय कला और विज्ञान दोनों है। Business is an art and science both.
व्यवसाय में कला तथा विज्ञान दोनों के लक्षण विद्यमान हैं। अब जो व्यवसाय है उसमें दोनों के लक्षण विद्यमान हैं, वो कला में भी है और विज्ञान में भी है। जानते हैं कैसे? व्यवसाय कला है क्योंकि कलाकार के समान इसमें व्यक्तिगत योग्यता, निपुणता, अनुभव एवं समझ की आवश्यकता पड़ती है। अब एक व्यक्ति अपना व्यवसाय चलाता है और अगर उसको किसी काम की समझ नहीं है, उसके पास कोई योग्यता नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, तो वो कैसे उस काम को करेगा? वो नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास अनुभव, समझ और योग्यता नहीं है। ठीक इसी प्रकार व्यवसाय एक साइंस भी है, एक विज्ञान भी है। देखते हैं कैसे, क्योंकि विज्ञान की तरह व्यवसाय के भी कुछ निश्चित सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं जिनके अनुसार व्यवसाय किया जाता है। अब जैसे विज्ञान में हमारे कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो ऐसे ही व्यवसाय में भी होते हैं। इसीलिए व्यवसाय को कला और विज्ञान की प्रकृति कहा गया है। नंबर 5, उपभोक्ता संतुष्टि, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। व्यवसाय का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण उत्पादकता की संतुष्टि है, क्योंकि इसी पर समूचे व्यवसाय का अस्तित्व एवं विकास निर्भर करता है। अब व्यवसाय है, इसमें जो महत्वपूर्ण है वो क्या है कि उपभोक्ता संतुष्ट हो। हमारे व्यवसाय से उपभोक्ता की संतुष्टि सर्वोपरि है, क्योंकि इसी पर समूचे व्यवसाय का अस्तित्व जो है वो टिका होता है, वो निर्भर होता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि ग्राहक राजा है, ग्राहक सदैव सही है। यही कारण है कि आधुनिक व्यवसाय ग्राहक संतुष्टि को सर्वोत्तम प्राथमिकता देता है। अब एक व्यवसाय में क्या होता है कि अगर कोई हमसे कुछ लेने आ रहा है, कुछ खरीदने आ रहा है, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो जो भी हमसे ले रहा है वो उस चीज़ को लेकर संतुष्ट हो, जो भी हम उसको दे रहे हैं वो उसके साथ संतुष्ट हो। एक टीचर अपने स्टूडेंट को जब पढ़ाता है तो वो उसके डाउट्स इतने अच्छे से क्लियर करता है कि उसको किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना हो।